अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो हारमोनियम ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरू परिहार स्वागत करता हूं आप सभी का हारमोनियम ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, अभी तक मैंने सभी स्केल से किस प्रकार से सारे गामा बजती है वो भी मेजर में और माइनर में, दोस्तों अभी तक मैंने स्केल के लेसन दिए हैं आपको। जैसे सी से लेके ए शार्प तक मैंने लेसन दे दिए हैं, आप पिछले वीडियो में जाके उनको देख सकते हैं। और आज का लेसन है बी, जो कि स्केल का लास्ट लेसन है आज। तो ज़रूरत एक बार फिर से बता दूं, अगर आप किसी एक गाने को कई तरह के अंदाज में गाना चाहते हैं तो आप सभी स्केलों से रियाज करें। और कहीं अगर आप हारमोनियम प्ले कर रहे होते हैं और कोई दूसरे स्केल से कोई गाना गा देता है, उस टाइम पर आपको दूसरे स्केल से बजाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें कई स्केलों से बजाना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक बी का है। तो बी में हम बी मेजर और बी माइनर सिखाएंगे आपको किस प्रकार से बजेगा। वैसे तो ये स्केल मेल और फीमेल दोनों की मानी जाती है, क्योंकि जो बच्चे और फीमेल वॉइस की थोड़ा शार्प आवाज़ है, तीखी आवाज़ है, ऊंचा स्वर है जिनका, वो बी से गाते हैं। या फिर मेल पर्सन की जिनकी आवाज़ बहुत मोटी है, भारी भरकम बेस होता है, वो बी से गाते हैं। तो ये स्केल दोनों को काम आती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बजती है ये। ये हमारा बी हो गया, तो बी के अकॉर्डिंग हम इसको सा मानेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बी मेजर की स्केल बता रहे हैं आपको। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, अब रो में होगा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया बी का मेजर स्केल। अभी माइनर स्केल बताएंगे। माइनर स्केल में वही जो पिछले वीडियो में भी बताते आया हूँ कि जो गा धा नी होता है वो तीनों कोमल यूज होते हैं। जैसे हमारा ये जो शुद्ध गा लगा ये कोमल गा बन जाएगा, इसके अलावा जो शुद्ध धा हुआ था ये कोमल धा बन जाएगा, ये शुद्ध नी था कोमल नी बन जाएगा। तो स्केल देखिए किस प्रकार से बनेगी बी माइनर की। तो ये थी बी मेजर और बी माइनर की स्केल। आप लोग इसे देखें, सीखें और अपने रियाज में और भी अच्छा परफेक्शन लाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।